वालेकुम। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को आवाज आ रही है यार? तिलावत हो जाए गाने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा भाई, मैंने कल की क्लास में एक मतलब आपको सीए फाइनल का सवाल करवाया था। कोई मुझे तुम में से बता दे कि उस सीए फाइनल के सवाल करने की अप्रोच क्या थी? चलें, आप सब बच्चे कह रहे हैं कि सर सबसे पहले हमें जो काम करना है वो कौन सी बॉलिंग का करना है? स्पेसिफिक बॉलिंग का करना है। अच्छा, स्पेसिफिक बॉलिंग का काम इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई वहां पे रीपेमेंट हुई तो वो भी मुझे सामने मिल जाएगी, और उसके बाद मुझे काम करना है सरप्लस पे, क्योंकि सरप्लस की एक वाहिद ऐसी वर्किंग है जो मुझे बताएगी कि मुझे जनरल बॉलिंग की तरफ जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी सरप्लस फंड अवेलेबल हैं तो दैट मीन्स कि मुझे कहीं और जाने की कोई भी नीड नहीं है। तो सर उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक और बेहतरीन सवाल करते हैं। ये आपकी बुक में ऑलरेडी है। अपनी बुक के पास पेपर के सेक्शन में आ जाओ जानी। आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन हाँ भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए जी, मैं रीड करता हूँ। इसको भी उसी अप्रोच के साथ करना है। प्लीज इधर। ऑन जुलाई 1, 2015 मिनास मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग एंड कंप्लीटेड द वर्क ऑन 30 जून 2016। कितने साल हो गए? एक साल। एक साल, जुलाई 15 से लेके 30 जून 2016, एक साल। और आपने हर सवाल में ध्यान रखना है कि आपका एक्चुअल ईयर एंड क्या है। सही है जी। आगे फिर वो कहता है द एग्रीड प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹100 मिलियन, और कह रहा है कि ये फाइनेंस किया गया था इन इन रिसोर्सेज से। आप बेहतर जानते हैं। इसके बाद बैंक लोन ऑफ ₹80 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड ऑन जून 1, यानी ये साल शुरू होने से पहले। पक्की बात है ना? चलें जी। द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 10.9436% पर एनम। पर एनम का मतलब ही एनुअल रेट है। एंड इज रीपेएबल इन 6 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट और ₹16 ईच, यानी ये जो 80 मिलियन का प्रिंसिपल है वो उसमें से एक इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? 16। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 6 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है 16 × 6 करो कितना आता है? 96। अच्छा आप जरा बात समझें, इसमें जरा दो चीजें आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए। देखिए, अगर आप 96 की बात करते हैं ना बच्चों, प्लीज सुनना, ये टेक्निकली आपको रेंटल दिया हुआ है। या आपको क्या दिया हुआ है? इस नौयत का सवाल टेक्निकली उसने पूछा नहीं है, और हाई चांसेस है कि इस बार वो क्या करे पूछे। आगे देखते हैं। इधर एक चीज बताता हूँ। लेट से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा मैंने लोन लिया ₹100 मिलियन का लोन लिया मैंने। सही है जी। अच्छा अब अगर मैं ये कहूं आपको कि ये प्रिंसिपल सिर्फ पे होगा, लेट से मैं कहता हूं 6 इंस्टॉलमेंट्स में या 10 इंस्टॉलमेंट्स में, तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 8 मिलियन की। ऐसा ही है, जरा बात को समझिएगा केयरफुली। अच्छा इस केस के अंदर मैंने आपको रेंटल नहीं बना के दिया, इसको जरा वापस रीड करते हैं। इतना सा फर्क है इसमें, बारीक सा। अगर ये आप लोगों ने पिक कर लिया तो आप बिल्कुल सही बताइएगा, कंफ्यूजन हो तो हाथ के हाथ पूछिएगा। सही है जी, क्योंकि बहुत ही केयरफुली हमें देखना है। मैं इस नौयत के और सवाल बना के दे दूंगा आपको, सुनना। वो कह ये रहा है कि बैंक लोन लिया है 80 मिलियन का,
पहली जून को लिया है, कैरी करता है ये वाला मार्कअप और कह रहा है कि ये जो रीपेबल है 6 semi-annual installments में और ₹16 each commencing from 30 November 2015। इसने देखो क्या तुम्हें ये लिख के दिया है कि इंटरेस्ट कब पेबल है, इसने क्या बोला प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। देखो यहाँ पे समझना है, दो चीजें लिखता हूँ ना मैं यहाँ पे, इसी पे बहस कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं लोन इज रीपेबल इन 6 semi-annually installments। यहां पे एक टेक्निकलिटी है जो उसी ये फाइनल वाला खेल गया था। मैं कह रहा हूं 6 semi-annual installments में लोन पेबल है, ये जो इंस्टॉलमेंट उसने बताई है ना 16 की, इसके अंदर दो अमाउंट्स हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। कैसे इसको सॉल्व करना जरा मैं आपको आपको एक चीज बता देता हूं। भाई मुझे बताओ आपने 80 मिलियन का लोन लिया, कितने का 80 मिलियन का। अच्छा जल्दी से मुझे सवाल में देख के बताओ कि 6 महीने का इंटरेस्ट कितना, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10.9436। हमने कहा 10.9436%। अच्छा ये तो पूरे साल का आ गया, हमने किया 6/12। जल्दी बताएं कितना है, 4.377। अच्छा बच्चों जरा बात समझिएगा, सर 80 को 10 से डिवाइड किया ये बता दें। बेटा मैंने कुछ भी नहीं बताया, उसको भूल जा तू अभी, ये ले मैं मिटा रहा हूँ इसको, मैं मिटा देता हूँ भाई, ये कंफ्यूजन ही नहीं रखनी आप लोगों ने अपने दिमाग में। अच्छा भाई बैक टू द पॉइंट, मैंने कहा ये 80 मिलियन का मेरा क्या है जानी, प्रिंसिपल है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा, कितने महीनों का इंटरेस्ट है ये। अगर लॉजिक समझते हैं, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, सेमी एनुअली का मतलब ये होता है कि आपका प्रिंसिपल हर 6 महीने में रीपे होगा और उससे आपका प्रिंसिपल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर कम होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो कम होगा। बट मसला ये है इस सवाल के अंदर उसने आपको ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट कब रीपे होगा, उसने बोला पूरा लोन कितनी इंस्टॉलमेंट में पे होगा, 6 और एक इंस्टॉलमेंट कितने की है। तो जब इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं ना तो इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 6 months का इंटरेस्ट ये है, मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की है 16। अच्छा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये देखना है कि प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी है, अगर मुझे ये देखना है कि प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो सर आप सिंपल एक काम करें 16 में से माइनस कर दें 4.11, यही है। मैं कह रहा हूं मेरे टोटल लोन में से जो रीपे हुआ वो 16 हुआ, पर 16 सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, उसके अंदर क्या शामिल है, इंटरेस्ट शामिल है। तो क्योंकि देखो बैंक दो तरीके से बोलता है, बात समझना, पहले बैंक ये बोल सकता है आपको जो हमने मतलब प्रैक्टिकली मैंने कंपनीज में देखा है कि भाई ये 100 मिलियन का लोन है, इस 100 मिलियन के लोन को वो क्या कह रहे हैं, 100 मिलियन के लोन को आपने चुकाना है 10 इंस्टॉलमेंट्स में, तो 10 मिलियन पे करेगा। वो कहे अगर 100 मिलियन के लोन को 5 इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना है तो 20-20 पे करेगा, पर उसके लिए इंटरेस्ट अलग होगा, उसके लिए इंटरेस्ट फिर अलग होगा। यानी फिर हम जो पे करेंगे, लेट्स से मैं आपको वो वाली एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं अभी बता रहा हूं, मैं अगर ये कहूं कि 100 मिलियन का लोन लिया, इसके बरक्स इसी एग्जाम्पल होते हैं 80 मिलियन का लोन लिया और वो ये कहे आपको कि 80 मिलियन का लोन लेट्स से 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई, 80/5 16 की हो गई, ऐसा ही है। अच्छा अब एक ये इंस्टॉलमेंट हो गई 16 की, पर इस केस में ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, पहले बताओ ये बात समझ आई, इस केस में 16 ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, इस वाले केस में ये 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि आप देखें वो आपको ऊपर लिख के दे रहा है
कि भाई रीपेबल है 6 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो भाई अगर मुझे एक बात बताना, 16 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 6 से, तो मेरा तो ये 80 बनना चाहिए ना, 80 नहीं बन रहा। दैट मीन्स के बकाया जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है। बात क्लियर है? अच्छा, वो ये तो खैर पुराना सीए फाइनल का सवाल है। अब वो ऐसी हरकतें यूजुअली कम करता है, वो बता देता है कि ये रेंटल है। रेंटल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। अच्छा, अगर ये वाला केस होता जो दूसरा मैंने बनाया, इस केस में आप 80 मिलियन पे लेट से, प्लीज समझिएगा, 80 मिलियन पे आप इंटरेस्ट लगाते, उसी एग्जाम्पल को रख रहा हूं मैं, 10.94, ऐसे ही एक एक्स्ट्रापोलेटेड एग्जाम्पल है। सही है जी? कितने महीने? 6 महीने। कितना आ गया? वही वापस आ गया, 4.377। ऐसा ही है। अब आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनती ना, वो इन दोनों का सम बनती, यानी आपके पास से पैसे जो बैंक को रीपे होते हैं वो दिस प्लस दिस होते हैं। अच्छा, तो अब यहां से कितनी माइनस करता? 16, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा देखो, दोनों में फर्क समझो, मैंने जानबूझ के आपको दोनों केसेस करवाए। पहले वाले केस में मैंने 16 क्यों नहीं माइनस किया यहाँ से, 16 के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल था। दूसरे वाले केस में क्यों 16 माइनस किया? तो यानी सर, इट डिपेंड्स अपॉन योर अरेंजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन योर अरेंजमेंट। एक समरी बनाते हैं अपने भेजे में। जब वो मुझे कहेगा कि लोन रीपेबल है इतनी इंस्टॉलमेंट्स में, तो आई हैव टू थिंक कि दैट अमाउंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, अगर वो यूं कहे कि दिस अमाउंट इज रीपेएबल, यानी लोन की अमाउंट कहे कि दिस लोन अमाउंट इज रीपेएबल इनटू 5 या 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर वो बोल रहा है सिर्फ प्रिंसिपल, और फिर उसके आगे लिख के देगा कि इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली या सेमी एनुअली, तो वो इस बात की निशानदेही होगी, वो इस बात की निशानदेही होगी कि उसमें प्रिंसिपल अलग है और इंटरेस्ट अलग है। तो सर, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी वाली एग्जाम्पल के अंदर, प्लीज फोकस होके बताइएगा आप सब बच्चे, मेरी इस वाली एग्जाम्पल के अंदर जो मुझे सवाल में गिवन है, क्या उसने मुझे ये कहा है कि प्रिंसिपल इज रीपेबल, या वो कह रहा है लोन इज रीपेबल? अच्छा, और उसने इंटरेस्ट का कोई भी जिक्र अगला नहीं किया। अच्छा, जो बच्चों इंटरेस्ट का उसने जिक्र नहीं किया, दैट मीन्स कि ये 16 मिलियन की उसने इंस्टॉलमेंट निकाल के दी है। 16 मिलियन की इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल की रीपेमेंट भी है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट। तो इस केस में तरीका क्या होता है, आप पहले इंटरेस्ट निकाल लें, आप पहले इंटरेस्ट निकाल लें, और जब रीपेमेंट की बारी है, जब पैसे देने लगेंगे, तो आपको याद आएगा मेरी जेब से जाएंगे तो 16 ही, पर उसमें दो हिस्से होंगे, एक प्रिंसिपल का और एक इंटरेस्ट का। तो अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है, तो आप उस पूरे रेंटल में से इंटरेस्ट को क्या करें, हटा दें, तब जाके आपको कौन सा अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल का। क्या ये प्रिंसिपल का अमाउंट मुझे बताओ कितना बचा? 11.68.377। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब वापस से मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल सही बताना, 10.9436%। फिर कितने महीने? 6 महीने। कितना आ गया इंटरेस्ट? 3.74। मैं आपसे पूछता हूँ, फिर 16 मिलियन की इंस्टॉलमेंट दूंगा, किसको दूंगा? बैंक को। मेरी जेब से 16 ही जाएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जेब से कितने जाएंगे? 16। पर मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, मुझे तो प्रिंसिपल चाहिए ना, तो मुझे बताओ 16 में से कितना माइनस करूं? 12.26। अच्छा, जब बैंक ऐसे करके देता है ना, तो बैंक का मकसद ये होता है उसी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी रिकवर हो जाए, इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाए, और आखिर में प्रिंसिपल जाके क्या हो जाएगा? 0। पर वो हमें एग्जाम में फिलहाल चेक करने की नीड नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो सर, दो चीजें सीखी, एग्जाम में अगर इंस्टॉलमेंट दी हुई है, तो दैट इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। अच्छा, अगर एग्जाम में वो ये कहता है कि दिस प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5, 6, 7 इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली, तो फिर वो आपको ये बता रहा है कि सिर्फ प्रिंसिपल कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, अलग है वो। और फिर आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपको निकालनी होगी, वो 16 होगी या 16 प्लस इंटरेस्ट? 16 प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, ये मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो वर्किंग करेंगे सरप्लस की। तो मेरे ऊपर वाले केस में बच्चों, जो सरप्लस की वर्किंग होगी, उसमें जेब से कितना जाएगा बैंक की तरफ? अगर 16, तो इंटरेस्ट कहाँ गया उसमें? अंदर तो आपने फिर यहाँ क्यों माइनस किया?
यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए माइनस किया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा बैंक मुझसे कितने लेगा, मेरी जेब से आउटफ्लो कितने का, 16 का। फिर मेरा दूसरा सवाल, मैं कह रहा हूँ भाई बैंक तो मुझसे 16 ही लेगा, पर मैं कह रहा हूँ मेरी जेब से जाएगा भी 16, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे तो प्रिंसिपल को चेंज करना है ना, हर कितने महीने में, 6 महीने में। तो मैं वही सिखा रहा था आपको कि हर 6 महीने में वो क्या होगा, चेंज होगा। तो प्रिंसिपल चेंज करने के लिए प्रिंसिपल निकालोगे भी तो ना, कि प्रिंसिपल रीपे कितना हुआ है। बात क्लियर है? चलें जी, अब इस सवाल को आगे रीड करते हैं। बोला है कि जो पैसा, अब जैसी बात है मेरे पास नहीं है, तो वो कहाँ से फाइनेंस किया है? रनिंग फाइनेंस है, दो बैंक दिए हुए हैं सर, आई डोंट नो उसके क्या करना है, बट आपको पता है कि क्या करना है। वो बोला भाई ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम नवंबर 1 टू 30 नवंबर। बोला भाई ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अननेसेसरी है, क्योंकि ये भाई आपको खुद मेजर करना चाहिए था, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, पीएल में चली जाएगी, इनकम तो होगी पीएल में जाएगी। आगे ये क्या बता रहा है, डेट ऑफ पेमेंट्स, और बोल रहा सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं, हो जाएगा। अच्छा भाई बोल रहा शो हाउ द अबव इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट हमारे लिए बहुत लाजमी है, शो हाउ द अबव इंफॉर्मेशन वुड बी डिस्क्लोज इन एमएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट बोल रहा है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS। बोल रहा है आप वो तमाम नेसेसरी वर्किंग को शो करना जो आपको आती हैं, अगर तो आती हैं। इसके बाद बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, एहसान कर दिया इसने ये बता के, सही है जी, शुरू हो जाए जल्दी से। कैपिटलाइज होगा स्पेसिफिक का, अभी जनरल शुरू करेंगे, चलो करो, आओ पहले स्पेसिफिक चेक कर लेते हैं, स्पेसिफिक भी नहीं हुआ अभी तक, नहीं मैं कह रहा हूँ सिर्फ स्पेसिफिक की वर्किंग कर लेते हैं ना, ताकि आप लोग आगे उसको अकॉर्डिंगली लेके जाएं, करें स्पेसिफिक। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, लोन कब लिया हमने, फर्स्ट जून 2015। अच्छा ईयर एंड क्या हमारा भाई, 30 जून। अच्छा व्हाट सो एवर द केस इज, हमारे साल भले ही एक साल पहले, मतलब हमारे ये साल शुरू होने से पहले लोन लिया हमने, एक महीना पहले, पर शुक्र है उसने फॉर द ईयर नहीं बोला, उसने बोला एज एड पे बैलेंस शीट पे क्या आएगा वो बता दो, सही जी, इसमें इसने फॉर द ईयर नहीं बोला, इसने बोला बैलेंस शीट पे क्या आएगा ये बताओ, सही जी। आगे लोन कितने का लिया है, 80 मिलियन का। सर हमने कहा हमारा इंटरेस्ट है 10.9436%, तो ये आ गया आपका 4.377। हम कह रहे हैं सर ये टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ऐसा ही है। आगे मैंने कहा मैंने इसको 6 महीने पे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि पेमेंट हो रही है। अच्छा वो पेमेंट की डेट बताएंगे बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने बैंक को बैंक के हिसाब से पैसे देने हैं। देखो मेरी बात समझो पहले, मेरी बात समझो, अरे कैपिटलाइज वाला नहीं, ये गलती करोगे एग्जाम में, मैं क्या कह रहा हूँ आप पहले पूरी वर्किंग करो उसमें से अलग करना, अगर तुम कैपिटलाइज वाला निकालोगे तो यहाँ प्रिंसिपल गलत निकालोगे। बैंक से बैंक के ताल्लुक रखो, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर के ताल्लुक रखो, फिर अकाउंटिंग करो अपनी, सिंपल उसूल है सवाल का। अच्छा भाई मैंने कहा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अच्छा नवंबर की 30 पे आ गए हम, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि सर 30 नवंबर 2015, सर मैंने कहा 4.377 माइनस हो जाएगा कितने में से, प्लीज बताएं कितना आया, 11.62। मैंने कहा ये मेरा प्रिंसिपल रीपे हो गया, जबकि मेरी जेब से 16 ही जाएंगे यहाँ, ये से प्रिंसिपल निकालने के लिए कितना आ गया, 377।
अच्छा अभी भी हम नवंबर में, मैंने कहा भाई मैं बाकी चीजें तो देख ही नहीं रहा ना, पहले तो मैं बैंक का हिसाब किताब देख रहा हूँ। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताएं, फिर इस पे कितने महीने का सूद लगेगा? सेवन पॉइंट फोर एट। अच्छा भाई अब हम आ गए भाई, ये क्या नशा करके बता रहे हो, 3.74। अच्छा भाई ये आ गया 3.74। हमने कहा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा ही है। हम सर आ गए 31 2016, पर सर ये 16 माइनस 3.74 कितना? 12.26। सोले आप क्या कह रहे हैं कि एक महीना कम नहीं हुआ? देखो यार जानी मैं समझा समझा के थक गया हूँ, अल्लाह के वास्ते बैंक की वर्किंग पहले कर लेना, इसमें से अलग करना। कोई ऐसा सवाल बताओ जिसमें हमने डायरेक्ट निकाला हो। नहीं निकाला ना, मैंने पहले पूरा इंटरेस्ट निकाला, फिर उसमें से क्या किया है, कैपिटलाइज वाला। ये अप्रोच भाई इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे पीएनएल भी हो जाता है, बैलेंस शीट भी हो जाती है। पीएनएल की चीज पीएनएल में ले जाना, बैलेंस शीट की चीज बैलेंस शीट में ले जाना। अगर किसी सवाल में वो दोनों पूछे तो फंस जाओगे, फिर क्या शुरू से वर्किंग करोगे वापस? तो इसलिए इंसानों की तरह पूरी वर्किंग करके कैपिटलाइज वाला निकाल लेना, दैट्स इट। सही है जी, प्लीज भाई खुदा के वास्ते। ये कितना आ गया? 56.117। सर ये मेरे पास बैलेंस आ गया एज एट 31 मई 2016। पर सर देखें गेम यहाँ पे था, गेम यहाँ पे ये है कि अब मुझे 10.9436% एक महीना बुक करना है क्योंकि मेरा साल यहाँ खत्म हो रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ सुनिएगा मेरी बात, मेरा साल यहाँ खत्म हो रहा है इसलिए मैं सिर्फ एक महीने का बुक कर रहा हूँ, वैसे पूरे 6 महीने का बुक होगा जब चोरंगी अगले साल तक जाएगी। बात क्लियर है? कितना आ गया? 0.5117। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जरा यहाँ पे फोकस करें, 6 और 6 12 महीने तो वैसे ही हो गए, 6 और 6 12 महीने तो वैसे हो गई। तो असर आपने 13 महीने की, नहीं सुनिएगा मेरी बात, मैं कह रहा हूँ इस साल के 12 महीने और पिछले साल का 1 महीना है, तो कुल मिला के 13 महीने की कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए अगर कोई इंटरप्शन पीरियड ना हो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? मैंने सिंपल यहाँ पे लाके रोक दिया इसको। सर टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट लेस क्यों नहीं कर रहे? अब सर मैं आपकी बात नहीं समझा, टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट लेस क्यों नहीं कर रहे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात भाई, टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट का क्या मतलब है? ये 16 बात कर रहे हो, पूरा 16 माइनस क्यों नहीं किया? अब सर मेरी जान बोल तो सही, चुप क्यों हो गया? अभी चाय बोली थी उसको, मुझे गारंटी बोली हुआ थी, वो तो मैंने बोला ऑप्शनल, फिर वहां से चला दे। सही है भाई, मैंने अब सर जब मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था तब तुम क्लास में थे, ये वाला, ये जो पूरी आके मैंने बिला वजह की बातें की थी, जब मैं क्लास में एंटर हुआ मैंने 15 मिनट इस पे लगाया, जब आप थे क्लास में। अब सर मेरी जान मुझे बता दो, आपके क्लास में थे जब मैंने ये वाली बातें बताई? नहीं थे ना, तो बेटा वेरी गुड। मैंने ये बताया था कि ये इंस्टॉलमेंट दी हुई है भाई, और इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। अब ये तुम ये वाला पार्ट सुन लेना भाई, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था फिर हम आए थे। अच्छा रेहान अली कह रहे हैं सर लास्ट में 1 महीना कैसे बचा, जरा और इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सुनो भाई मेरा साल शुरू होता है जुलाई में, खत्म होता है जून में। सही है जी, मैं कह रहा हूँ मैंने 31 मई तक इतनी पेमेंट कर दी, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ये देखना है कि 30 जून 2016 तक कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, तो और कितने महीने का इंटरेस्ट बुक करूँ? 1 महीने का। आप भले फिर पूरे 6 महीने का करें, फिर उसमें से आपको 5 महीने हटाने होंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। क्लियर हो गई रेहान? मेरी जान मेरी बात ये बता दे, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट देखो, एज एट 30 जून 2016 तक का मुझे उसने बोला कैपिटलाइजेशन निकाल के दो। तो ये लोन लिया कब था? 1 जून को। यहाँ पे टाइमलाइन बना दो भाई, मैंने कहा ये आ गया 1 जून 2015, मैंने कहा मेरा ईयर शुरू हुआ July 1 2015, मैंने कहा मेरा ईयर खत्म हुआ 30 जून 2016,
2016। अच्छा मैं आपको ये कहूं, प्लीज समझिएगा कि यहां से लेके यहां तक उसने बोला बताओ कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। दोस्तों मैंने कहा वो कितने महीने बनते हैं, 13 मंथ्स बनते हैं। मैंने कैलकुलेशन कितने मंथ्स की है, 13 मंथ्स की है। मैंने कहा मैं मना नहीं कर रहा, 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करो, आगे ले जाओ, पर तुम्हें रजिस्टर्ड कहाँ पे होना है, 30 जून पे। तो आप भले आगे पूरी वर्किंग करें जैसे बैंक की होती आई है आज तक, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अमाउंट जो निकाल के देनी है वो 30 जून तक की निकाल के देनी है। भाई क्लियर है बात, रेहान और बाकी सारे बच्चे जल्दी ये बता दो भाई, ये 13 महीने की कैपिटलाइजेशन है अगर इसमें कोई इंटरप्शन पीरियड ना हो, बट आई बिलीव कि इसके अंदर इंटरप्शन पीरियड है, ऐसा ही है। अच्छा मैं सवाल में चला गया वापस। मैंने कहा था सवाल के अंदर ऐसे कौन सा महीना है जब इंटरप्शन आई थी, नवंबर। अच्छा मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, वो नवंबर का लैग किस साइड पे, पहले वाले में पक्की बात है यानी 30 नवंबर तक ना। तो सर ये अगर 6 महीने का इंटरेस्ट है तो इसको डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बच्चों इसलिए किया क्योंकि मैं वो निकाल रहा हूँ जो कैपिटलाइज होना है। कितना आ गया जानी, अच्छा सर मैंने ये कहा कि 3.116 आर यू श्योर, ये 3.116 क्या कह रहे हैं बेटा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आ जाओ इधर देख लेते हैं भाई, यहां से यूं समझ लो तुम लोग, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2015 जनवरी फेब मार्च आ गया अप्रैल मई जून, सही है। हमने कहा भाई इसको यूं ले जाते हैं, यहां तक आ गया मैं, ये मेरे कुल मिला के 13 महीने बनते हैं। भाई मैंने आपको बोला क्या ये एक महीना है, ऐसा ही है, ये दूसरा महीना है, चौथा पांचवा और छठा। पहले यही बुक किया है मैंने, इसमें से उसूलन एक महीने का इंटरेस्ट पिछले साल बुक हुआ होगा, 5 महीने का इंटरेस्ट इस साल, कुल मिला के 6 महीने कैपिटलाइज होना था। मैं कह रहा हूं कि भाई क्या आपने यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, मैं आपको यहां पे प्लॉट भी करके देता हूं, चलो आ जाओ, बल्कि बेटा तुम लोगों ने दूसरा वाला गलत बताया मेरे को, ओके नहीं दोनों पे नहीं होगा ना बेटा, सिर्फ इस पे होगा, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 5 बताओ जल्दी, 3.647। अच्छा अब यहाँ पे प्लॉट करो उसको, हमने कहा ये आ गया 4. कितना था ये भाई, 377। ये जो 4.377 का मेरा इंटरेस्ट है ये टोटल है, इसमें से कितने महीने कैपिटलाइज होना चाहिए, 5 महीने, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो कौन सा पीरियड है, इंटरप्शन पीरियड है, ये वाला कौन सा पीरियड है भाई, इंटरप्शन पीरियड है। हमने कहा भाई ये आ गया इंटरप्शन, तो टेक्निकली हमने इसमें से ये कैपिटलाइज नहीं किया, बात क्लियर है। तो हमने कितने महीने कैपिटलाइज किया, 5 महीने। तो देखिए इंटरेस्ट तो पूरा 4.377 है, पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हमने जो कैपिटलाइज किया है वो किया था 3.647। क्लियर है भाई, ये आ गया 3.647। हाँ भाई यहाँ तक कोई इशू तो हम इसको आगे लेके चलें जी, काम एक मिनट रुक जाए मेरी जान भाई, सवाल लेकिन हमारे पास 4 मंथ बुक होगा, इधर देख लो, यानी रीड कर लेते हैं इसको। ऑन जुलाई 1
मिनहास मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग 1 जुलाई को, सही है जी। तो ये बात तो बजा है कि अब कितने महीने हटाऊंगा, 2 महीने, क्योंकि एक तो काम शुरू नहीं हुआ, दूसरा इंडक्शन पीरियड था, बिल्कुल सही। तो सर हम यहाँ पे जरा इसको भी वापस मिटा के, ये बिल्कुल सही बात कही इसने, 4 महीने का, तो सर यहाँ से भी चेंज करें इसको, ये भी कितने महीने के अप्लाई करूं, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, अब बताएं कितना आया, 2.918, ये आ गया जी। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि भाई अब नीचे जाके वापस से हम इस परफॉर्मा को बनाते हैं ताकि हमें याद रहे। मैंने कहा ये वाला जो सीन है ये भी कौन सा है भाई, इंटरप्शन पीरियड या वर्क नॉट स्टार्टेड, तो सर ये आ गया। हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया कि भाई ये भी इस जुमरे में नहीं आता। तो कुल मिला के कितने महीने के कैपिटलाइजेशन के, 4 महीने, बेहतरीन यार। तो हमने कहा कि भाई हमें जो कैपिटलाइज करना है वो इस पूरे में से करना है, वो ये है 2.918, यानी एग्जामिनर ने इसके अंदर टेक्निकली 2 कॉन्सेप्ट को इनिशियली टेस्ट किया कि क्या इन लोगों को ये पता है कि कैपिटलाइजेशन शुरू होती है जब एसेट पे काम होना शुरू हो जाए, और क्या इन लोगों को ये पता है कि इंटरप्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होता। तो सर हमने पहले पूरी वर्किंग कर लिया, उसमें से हमने कैपिटलाइज निकाल लिया। अच्छा स्क्रीन स्टक हो गई है, ओके सॉरी यार, एक मिनट रुकिएगा, अभी अब आ जाएगी, क्लियर है, ओके जी। अच्छा पहले बच्चों ये बात बता दो, ये बात क्लियर है, देखो यार यहाँ पे वापस से 1 जून 2015 से काम शुरू, मतलब लोन लिया मैंने, 30 नवंबर को मेरी पहली पेमेंट है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट बुक किया टोटलिटी में, 6 महीने का। अब आपने ये सोचना है कि 6 महीने में से कितना कैपिटलाइज करूं, फिर आप सवाल में गए, आपने सवाल में देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम कब शुरू हुआ है, 1 जुलाई को, तो यानी जून का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो है बट वो कैपिटलाइज नहीं होगा। हमने बोला 1 महीना हटाना है हमें, फिर मैंने कहा कि भाई जो नवंबर का महीना है उसमें भी मेरा काम जो है वो सस्पेंडेड था, तो जब मेरा काम सस्पेंडेड था तो क्या उसका इंटरेस्ट इनकम नहीं होगा, होगा बट वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो हमने सिंपल एक काम ये किया कि पहले लैग में से जो 6 महीने का इंटरेस्ट है उसमें से सिर्फ कितने महीने कैपिटलाइज किए, 4 महीने, और जो कि बनता है 2.918। तो हमने यहाँ पे टेक्निकली 2.918 को क्या किया बच्चों, कैपिटलाइज कर दिया। अब इस पूरी पिक्चर में कोई भी कंफ्यूजन तुम सबको ऑनलाइन वालों आपको जल्दी से बता दो जानी, क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियरिटी से बताना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर है भाई, आप सबको भी क्लियर है पक्का, कोई सवाल यहाँ पे पूछ लो, कोई पूछना है तो मसला नहीं है, पक्का, चलें जी आगे, ऑल ओके, चलें जी आगे लेके चलते हैं इसको। फिर मैंने कहा कि भाई आपने दिसंबर से लेके, यानी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितने महीने, 6 महीने। सर यहां से यहां तक आपने इंटरेस्ट बुक किया वो कितना है, 3.74। आपने कहा भाई आ गया 3.74 का इंटरेस्ट, मैं आपसे पूछता हूं क्या इसमें कोई पंगा है या सीधा कैपिटलाइज, भाई ये सोच लेना कि एसेट कंप्लीट तो नहीं हो गया, एसेट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सर दैट मींस के फिर यहां से यहां तक जो 1 महीना है वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा 0.5117। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालें, फिर उसमें से सिर्फ 1 महीना क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, क्योंकि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है 30 जून 2016 तक, दिस इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टिंग, कि यहां तक मुझे बताना है, क्लियर पक्का, और जाने वालों कन्फर्मेशन दे दो जल्दी से। ये तो कहानी हो गई मेरी स्पेसिफिक बोरिंग की। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख दूं मैं तुम लोग, ताकि मुझे बताना टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग, प्लीज कैलकुलेटर अपने पास रखें, 2.918, 3.74, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2.918,
3.74 प्लस 0.5117 7.16697 भाई ये कैपिटलाइजेशन मिल गई है बोरिंग कॉस्ट की, जनरल की करवाऊं या करवाओ? चलो करें जल्दी से, वापस आ जाएं सवाल पे। स्क्रॉल डाउन करो, वेटेड एवरेज 11.86, तुम लोगों को कितना आ रहा है? 11.85 वही 8586 सही है। वो देखना है, ये तो टाइमलाइन ऐसे ही समझाने के लिए। ये हो गया कॉपी है। क्वेश्चन नहीं भेजा सर ऐसे, बेटा क्वेश्चन भेज देना, कितनी बार भेजूं ग्रुप में यार? कोई भाई ये बुक का क्वेश्चन भेज दो ना, कोई बुक में से क्वेश्चन भेज दो मुझे पर्सनली। तुमने यहाँ से नहीं भाई भेजा यार, सॉल्व कितनी बार भेजूं यार, पता नहीं तुम कौन से ग्रुप में हो यार। कोई सरप्लस फंड्स है हमारे पास? मैंने भेज दिया, सब पे भेज दिया भाई, जो जिंदगी में जितने भी ग्रुप मैंने एफआईआर टू पे भी भेज दिया, जो जहाँ बैठा हुआ है वहां पे भेज रहा है। ओपनिंग 10 आ रहा है बेटा, ये बहुत गलत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। रनिंग फाइनेंस लोग तब जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो तुम्हें सोचना है ना मेरी जान, कि आगे कितना जाना है। मेरे को कैसे पता है सवाल में अभी, क्योंकि अभी तो मैं वर्किंग करूंगा, जैसे ही शॉर्टफॉल होगा उसके आगे से इंटरेस्ट लगाऊंगा ना मेरी जान, सही है? आंसर तो अभी समस्या है, ये अभी खुद करेंगे, चेक करते हैं। और ये जो हमारा सही है, अभी चेक करते हैं ये। हाँ भाई सरप्लस फंड्स की वर्किंग हो गई, आशा डन कर रहे हो? हाँ भाई अब तक तो हो जाना चाहिए डन।
पक्का? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, सही है, सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमने सिंपल ये कहा कि अब हम कह रहे हैं कि भाई अब हम वर्किंग करेंगे, क्या कह रहे हैं भाई? हमने कहा भाई सरप्लस फंड्स या तो हम कहेंगे इसको जनरल बोरिंग वर्किंग, मैंने स्लैश इसलिए डाला है क्योंकि हो सकता है सरप्लस खत्म हो जाए तो फिर मुझे किधर जाना पड़े, जनरल बोरिंग में। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि मैंने जो लोन ऑब्टेन किया था फर्स्ट जून को, अच्छा वो कितने का लोन था भाई? 80 मिलियन का। आप देखते हैं किसने क्या क्या गलती की है, तो जरा फोकस हो गया था देखना। 80 मिलियन का मेरी जो पहली पेमेंट है वो 10 की है, यार अल्लाह की कसम। एक तो ये हमने जो पहली पेमेंट की है सर वो की है 10 को, ओके जी, हमने 10 मिलियन की की है सेम आते उसी टाइम पे। कितना बचा? 70। प्लीज सुनिएगा सर, ये 70 पे मैंने तब तक इनकम कमाई होगी जब तक नेक्स्ट पेमेंट, सर नेक्स्ट पेमेंट आती है 1 अगस्त को, ऐसा ही है। तो कितने महीने? 2 महीने, जून और जुलाई। बात समझिएगा इधर, मैंने कहा कि भाई मेरा सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट कितने पे होते हैं प्लीज बताओ? 7% 2/12 कितना आ गया? 0.817। चेक कर लेना ये भाई, 0.817 ही ऑनलाइन में, तो जल्दी से बताओ भाई 0.817। सर मुझे यहीं पे पता है 0.93। 817 है, 2 महीने का ही है ना। अच्छा फिर मुझे पता है कि इसमें से 1 मंथ जो है वो पीएल में जाएगा और 1 मंथ नेट होगा, कितना हो गया? 0.4085, ये भी आएगा 0.4085। क्लियर है, हमने अकॉर्डिंगली वर्किंग कर ली। अच्छा भाई फिर मैंने कहा कि अब हम आ गए अगस्त 1, 2015 पे, कितने की पेमेंट की है? कितना बचा? 40 बचा। हमने कहा इस पे 7%, हमने कहा कि सर वापस देख लेते हैं कि दिसंबर पर, मैं दिसंबर तक नहीं जाऊंगा, पहले 16 की रीपेमेंट होगी। कितने लोगों ने ये मिस की, 16 की पहले लोन की रीपेमेंट भी तो करनी है, वो भी तो रीपेमेंट है। आपने सर ये कॉन्ट्रैक्टर को क्यों देख रहे हो भाई, आपके पास सरप्लस फंड्स, ये कितने लोगों ने मिस की? अम्मी की कसम सच बताओ, 1, 2, 3 सभी ने की। देखो ये बात याद रखना, मैंने अगेन एंड अगेन कहा कि आपने वो वर्किंग इसलिए की थी ताकि आपको पेमेंट पता लगे, सही है जी, इस बात का ख्याल रखना एग्जाम के अंदर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं पूछता ऐसे सवाल, हाईली प्रोबेबल के उस बात पूछे, मैं तभी न्यू सवाल कर रहा हूँ, वो भी सीए फाइनल के, सही है जी। और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आपका नंबर गेम क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और हम और क्विजेस देंगे और प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है? चलिए जी, तो सर ये बात तो तय हो गई कि हम आ गए अब आई थिंक 30 नवंबर पे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं लोन रीपेमेंट कितने की है? 16 की। बट सर बिफोर मूविंग टूवर्ड्स 30 नवंबर, आप देखें अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर कितने महीने? 4 महीने। 0.9। अच्छा आई बिलीव कि इसके भी 2 हिस्से बनेंगे, एक था इंटरप्शन पीरियड नवंबर का महीना ना, तो सर हम कह रहे हैं कि 1 मंथ
पीएनएल में जाएगा। प्लीज इसको डिवाइड कर दें चार से मल्टीप्लाई बाय 1 0.23 0.7 के प्लस जाएगा। प्लीज बता दें ऑनलाइन वालों क्या ये बात क्लियर है। अच्छा भाई 30 नवंबर को जैसे ही मैंने पेमेंट की मेरे पास पैसे कितने बच गए? 24 पैसे बच गए। अच्छा भाई मैं सवाल में गया, अब हमने देखा कि अब 30 नवंबर कह लो या 1 दिसंबर कह लो बात एक ही है, तो सर यहाँ पे दस्ती ये भी कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को पे किया है पहले, बताओ ये बात समझ आ रही है? सेम डे पे होगा ना, एक दिन का गैप है तो क्या इंटरेस्ट बुक होगा? क्लियर है? कितने पैसे माइनस करूं? यहां पे आ गया डेफिसिट, बात क्लियर है? अच्छा भाई डेफिसिट आ गया तो अब जाहिर सी बात है मैंने लोन ले लिया, लोन ले लिया तो जनरल बोरिंग है। मैं फिर मेरा दिल चाह रहा है कि भाई मैं जो है इंटरेस्ट बुक करूं 11% पे, मैं दिल चाह रहा है 13 पे। नहीं सर वेटेड एवरेज। अच्छा वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपने एवरेज बैलेंस लिया 40 × 11% प्लस 30 × नीचे कितना आ गया आपका 40 + 30 11.85%। अच्छा यहाँ पे रेहान अली कह रहे हैं सर दिसंबर में एक मंथ नहीं लेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ 30 नवंबर की रात को सोए तो सुबह उठे तो 1 दिसंबर पे सोते सोते क्या कमाया रेहान, बात समझ रहे? इधर कुछ भी नहीं कमाया ना, एक दिन का गैप है। 30 नवंबर है 1 दिसंबर है, दोनों बातें सेम है तो क्या कर लूंगा मैं इसमें भाई? ये देख ले डेट्स को देख लो, अगर ये 31 दिसंबर होती तो कसम से फिर एक महीना आता, इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है भाई। ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? देखो ये बारीकियां मैं फिर ये जानबूझ के ऐसे सवाल कर रहा हूँ ताकि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, कि एग्जाम में ये ब्लंडर करके आते हो और हम कहते हैं हमने सही किया। देखो मैं कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होगा, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन गलत की है और अभी भी कर रहे हैं। इसकी परफेक्शन सिर्फ एक ही तरीके से आती है, प्रैक्टिस से, कि आप मैक्सिमम सवाल सॉल्व करें, खुद करें, टीचर से कम पूछें सॉल्व करते वक्त। वंस यू आर डन फिर आप देखें आपने क्या गलती की थी ताकि वो भूलें नहीं। सही है जी। अच्छा भाई अब हमने कहा कि भाई ये भी सीन हो गया, 6 का डेफिसिट आ गया, हमने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट भी निकाल लिया 11.85%। मैंने कहा 11.85 पे इंटरेस्ट कब तक बुक करूं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो मैंने कहा कि सर ये आ गया 11 फॉर 4 मंथ्स, कितना आ गया? 0.237। सर हमने कहा ये हमारा क्या है एक्सपेंस है, ये क्या होगा? मैंने इसको अलग से इसलिए रखा ताकि अलग से देखे इनकम से बायफर्केट होके, पता चले सब एक ही साथ चिपका दो पेपर में, तो अपनी याद दिहानी के लिए भी अलग रखना। चलिए जी अब हमने कहा कि भाई अब हमने 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया है, पे किया है 20 की पे की है, ये हो गया भाई 26। बस मुझे एक बात बताएं 26 को मैं कब तक लेके जाऊं? अप्रैल में 2 महीने, क्योंकि फिर मई में पेमेंट है किसकी? लोन की। वेरी गुड, लोन की रीपेमेंट है तब भी तो आपका ये क्या हो जाएगा बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सर हमने कहा अप्रैल और मई 11.85 × 2/12 कितना आ गया 0.5135। हमने कहा ये भी एक्सपेंस है, ये भी क्या हो जाएगा कैपिटलाइज हो जाएगा, ऐसा ही है। हमने कहा कि भाई अब आप लोन की रीपेमेंट 16, यार 16 आप लेके जा रहे हैं, इसका इंटरेस्ट कहाँ गया? इंटरेस्ट भी तो रीपे करोगे, इसी के अंदर शामिल है, वो खाली वर्किंग के लिए वहां पे हमने किया था ताकि लोन की कैलकुलेशन हो सके। अच्छा भाई ये कुल मिला के कितना हो गया जानी 31 में
कितना हो गया टोटल 42। अच्छा और कोई पेमेंट है कभी? अच्छा अगले साल है वो, तो बस खत्म। अच्छा क्या इसने बोला कि एसेट कंप्लीट हो गया है? 30 जून को खत्म हो चुका है। अब बात सुने, ये गेम समझे एक मिनट, आप लोग मुझे गाइड करेंगे। 30 जून को अगर एसेट कंप्लीट हो गया ना, अगली पेमेंट पे इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, पर वो कैपिटलाइज होगी और वो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। पहले बताओ ये बात समझ आ गई? ये हमने इनिशियली डिस्कस की थी। अच्छा अगर वो कहता कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर नहीं आता, क्योंकि आपका एसेट कम्प्लीटली इसने डिलीवर कर दिया तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। भाई ऑनलाइन वालों क्लियर है ये जल्दी बता दो। 11.85% इनटू 1 ओवर 0.41475 हमने क्या कहा, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसके आगे जितने भी इंटरेस्ट आएंगे इस सवाल के अंदर ही, तो क्या वो एक्सपेंस नहीं होंगे? पीएल में जाएंगे। तो सर दैट मींस कि हमने ये कॉन्सेप्ट को तो पकड़ लिया कि भाई एक्सपेंस एक्सपेंस है, यू नीड टू डिसाइड कि कैपिटलाइज करना है। शुरू कब करना है? जब काम शुरू होगा। पॉज कब कर देना है? पॉज इंटरप्शन पीरियड। सीज कब कर देना है? आप बोलेंगे सर ये पॉज और सीज ये कहां से सुन के आ रहे हैं? एमसीक्यूज में देखा था मैंने। मैं कहा तुम लोगों को पॉज बोलूंगा तो तुम बोलोगे खत्म ही कर दो। सही है, समझने की। पॉज का मतलब है कुछ वक्त के लिए रोक दिया, जैसे कोई मूवी देख रहे हो ना, रोक दिया। सही है ओके चलो आगे। हमने फॉर एग्जाम्पल पॉज किया, फिर चलाई, फिर पॉज किया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सही है जी। सीज का मतलब क्या है? कि वो काम खत्म हो गया जी। ओके अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद आपने दो रेट्स वाला करा दिया बोरिंग कॉस्ट। ओहो एंट्री मारी मेरे भाई ने। दो रेट्स वाला बोरिंग कॉस्ट भाई करा भी दिया, आई थिंक कोई पांचवा छठा सवाल है सीए फाइनल का, शुएब करवा दिया। चलें जी ये शुएब अपना जानी है, ये आया हुआ अभी चक्कर लगाने देखने के लिए कि सही चल रहा सब इधर। अच्छा भाई प्लीज मुझे बताएं, मुझे बैलेंस शीट का CWIP निकालना प्लीज। पहले इंटरेस्ट का काम कर लेते, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे आप ये बताएं, जनरल बोरिंग का इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज करना है वो कितना है? सही, कोई मसला नहीं शुएब, पर ये लाजमी देखना ये शुएब, बहुत एडिशनल प्रैक्टिस है इसमें। क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीनों कैपिटलाइज होंगे, एक दो और तीन? प्लीज बताओ कितना आ गया ये? 1.165। प्लीज देख लो एक बार, बाकी सब बच्चे 1.16525। चले जी ये भी कैपिटलाइज हो गया। अच्छा मैंने कहा कि इनकम जो है वो नेट होगी, ऐसा ही है। अच्छा बच्चों जो इनकम नेट होगी प्लीज उसको आप यहाँ पे देखें, एक तो ये आ गई इनकम, ऐसा ही है, और सर दूसरी आ गई ये वाली 0.7 है ना, 0.4085 प्लस 0.7 1.1085। अच्छा भाई हमने ये कहा कि ये आ गया हमारे पास 1.1085। सर ये तो कहानी हो गई इंटरेस्ट इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है, इंटरेस्ट तो कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट की है वो नहीं कैपिटलाइज होगी, होगी तो सर उसके लिए तो सिंपल हिसाब किताब है ना, 10, 30, 30, 20, 10। तो सर 10 तो पे ही नहीं किया, कब देंगे? पेबल में आ जाएगा, कैपिटलाइज तो होना है। क्लियर है? चलें जी। तो सर आपने कहा कि इन सब का सम आ गया 100, और आई थिंक एग्रीड प्राइस भी कितनी थी, सॉरी थी, अच्छा हमने कहा भाई ये पे आ गया पेमेंट टू कितना आ गया 0.226। भाई कोई आपसे पूछे कि आपने जो कैपिटलाइज करना है, अच्छा पीपी या सीडब्ल्यूआईपी? पीपी, क्योंकि वो कंप्लीट
हो चुका है, तो पीपी मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगा 107.226। कोई ऐसा जिसने सही निकाल लिया हो? डोंट थिंक। लोन की पेमेंट माइनस नहीं की थी भाई, अब ये याद रहेगा पक्का। एक और क्वेश्चन करें, चलो जी आ जाओ। अब ये सही करना है, इसमें कोई भंड नहीं हुआ, मैं भी खुद आगे बात कर जी। कॉपी कर रहे हैं, करें करें। अब बताओ, अगर मैं वैसे ही देखो, मैं बिल की तसल्ली के लिए तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे पास पेपर करवा देता। तुम एग्जाम में जाते हो आते ना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, तो फिर लग पता जाता उस वक्त। देखो पीपी वाले सवाल में मिल के आता है, बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो अलग से नहीं पूछेगा, पूछ सकता है अलग से। करें वो वाला करें, अभी आ जाओ अभी कप्तान। वो देख लेते हैं क्या बोलना चाहता था उसकी, नहीं हाथ क्या कर लेते हैं जब सब चीजें साथ हो रही है। आधा घंटा कहाँ है, तो टाइम ही टाइम है हमारे पास। अच्छा यार मैंने एक चीज वो डिसाइड की थी, एक चीज डिसाइड ये की थी कि वंस मैं ये कोर्स लेके तो चली रहा हूँ, पर आई बिलीव कि मैं जो वीकेंड पे सिर्फ रात को प्रैक्टिस सेशन लगाऊंगा 9 से 11 ऑनलाइन, जिसको यहाँ आना है वो यहाँ के लिए आपके लिए ऑप्शन है वो, पर मेरी नजर में आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि जो FAI 2 में मैं कराता हूँ, CA फाइनल में कराता हूँ, ऑडिट में कराता हूँ, वो सवाल लगते हैं ना, ऐसे नहीं कि मैं नजूमी हूँ कि मुझे पता है, न्यू चीजें करवाता हूँ वो आती हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं हो सकता है कि मैं एक चीज मतलब यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि भाई आपने एक एसेट लिया हुआ है, आपको बोलूँ पूरी बैलेंस शीट में बताओ कौन कौन से एसेट्स आएंगे, तो वो मल्टीपल क्लासेस आई है, 16 भी प्लस हो जाएगा, बोरिंग कॉस्ट भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमने करना, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस वीकेंड से ये कारोबार क्या करेंगे, शुरू करेंगे। मेरी क्लास की प्रैक्टिस तो चलेगी चलेगी, उसमें तो कोई कमी पेशी है ही नहीं, वो एडिशनल होगा और वो चीजें होंगी जो आज तक एग्जाम में टेस्ट तो दिमाग चलाना सीखेंगे उसमें, जितना अब तक हो गया। क्लियर है, एग्री है? चलो जी, जिसको यहाँ आना है वो यहाँ आ सकता है, सही है। और जैसे जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर क्या रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, भाई डेफिनेटली रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, पर उस पर आप फिर मुझसे उस वक्त देन एंड देयर पूछ नहीं पाएंगे, सही है भाई। तो ये आपका ड्रॉबैक होगा शहीद। ऑनलाइन ले सकते हैं ना, ऑनलाइन तो ले सकते हैं, पर तू कौन सा लेडीज है भाई, रास्ते में को उठा के ले जाया करते लोग। बिल्कुल होगी बेटा, अपने हाथ से खिलाऊंगा तुझे यार। बच्चे मेरे लिए कंसर्न ही नहीं है, बच्चे कम हो ज्यादा हो, बिरयानी तो मैं वैसे भी खिला सकता हूँ। ओ भाई पूरे EY में जब प्रमोशन की थी, तुम लोग उस वक्त नहीं थे तो क्या करता मैं, बोल रहा है मेरी गलती नहीं है, गलती तो नहीं है तेरी। अच्छा चलो इधर प्लीज, स्प्रिंग 2022 का सवाल है आपका, मासूम सा। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड प्लान कर रहा है, कमेंस कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन January 1, 2023 and expected to be completed by 30 November 2023. Sir, ये कौन सा एसेट हो गया? Qualifying एसेट। अच्छा जी, प्लीज यार ये फोकस के साथ। अच्छा एक रिक्वेस्ट है किसी बच्चे से, कसम दे के कह रहा हूँ, मुझे कोई वो पिक्चर लेके भेज दो ताकि मैं ग्रुप पे भेज दूँ। जो बुक लाया है उसको दे दो प्लीज यार, वो कोई पिक्चर निकाल रही है। बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं है, इधर जल्दी खींच ले भाई। अच्छा तेरा तो मेरे को इशू पता है, ओके सचिन आई लव यू यार, तूने हर्ट होके मोबाइल बोल दिया ना अपना। अच्छा भाई ये तो देख लो, ये द मैनेजमेंट वांट्स टू असर्टेन द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड। अच्छा देखो, मैनेजमेंट ये सोचना चाह रही है, ये पूछना चाह रही है, आपसे जानना चाह रही है, क्योंकि उसको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, सही है जी,
कि आप ये बताएं कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है तो कितनी होनी है। चलें जी आगे, भाई किसी ने भेजा ये सवाल? नहीं मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि यहीं से ही है, भेज दिया ना बस अभी हम जरा ये फिर ये बोर्ड की तस्वीर आ रही है। अच्छा अब ये वाला आ गया, ओके। ग्रुप पे तो जान बूझ के रिस्ट्रिक्शन लगाई है मैंने दोनों पे, ये ओके। चले आप सुने, अब ग्रुप पे भी आ गया भाई, जिंदगी के तमाम ग्रुप पे जहां भी आप बैठे हैं आप देख सकते हैं। इधर सुनो, अच्छा भाई, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयरहाउस विल बी एज फॉलोस। पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा और लास्ट बिल, ये आपको बता दी इसने कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू स्पेसिफिक लोन ऑफ रुपीज 350 मिलियन एट द रेट ऑफ 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन्ड ऑन जनवरी 1, 2023। टू बी ऑब्टेन्ड ऑन जनवरी 1, 2023। अच्छा देखो यहाँ पे गेम है कि कंस्ट्रक्शन भी इसी दिन शुरू हो रही है, तो आई थिंक बस सही है। आगे, द प्रिंसिपल विल बी पेबल, ये तुमने अगर बता दिया ना मुझे, और अगर गलत बताया तब भी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर इधर सुनो, पहले वो कह रहा है कि जिससे पूछूंगा वो बताएगा। द प्रिंसिपल विल बी पेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मैं जिससे पूछूंगा, सचिन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है? इस 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्रिंसिपल होगा सिर्फ या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा? प्रिंसिपल होगा। चलो जी, यानी तुम बताओ, तू ये तेरे पीछे कोई भी नहीं है इधर। हाँ, ओनली प्रिंसिपल। अलॉन्ग नहीं, मैं तुम समझे नहीं बात। जो मैं लोन ले रहा हूँ ना 350 मिलियन का, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 350 मिलियन को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ प्रिंसिपल की अमाउंट आएगी। इसमें उसने इंस्टॉलमेंट बताई नहीं है, इंस्टॉलमेंट बताता तो उसमें इंटरेस्ट भी होता। दैट मींस के इसके अंदर इंस्टॉलमेंट आपने निकालनी है। और इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 5 किया, 350 को डिवाइड बाय 5 करो, 70 आ गया। ये प्रिंसिपल है, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट। वेरी गुड भाई, अब हो जाएगा ना। अच्छा, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, सालाना पे करना है आपने, तो कोई सेमी एनुअली नहीं है। चलें आगे देखें। Withdrawal to be made from the existing running finance facilities. These facilities will also be used to finance other needs of BPL. वो बोल रहा है कि भाई हमारी कोई और ख्वाहिशात भी होती है, उसके लिए भी पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए तो कौन सी बॉलिंग होती है? जनरल बॉलिंग। बट सर ये मुझे नहीं समझ आ रहा, बैंक ए और बी, बैंक बी क्यों है? कर लेंगे, ओके। अच्छा भाई, द सरप्लस फंड जो है वो अवेलेबल है और वो इन्वेस्ट किए जाएंगे 10% पे। और आखिरी चीज, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड। ये तुम लोग बताओगे, देखना देखना अभी देखना है सर, ये गेम है इसके अंदर। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द इंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू यूजुअल मॉनसून। होगा क्या अप्लाई? अब होगा, प्लान है पहले से ही, बात समझ आई? देखो पहले से ही प्लान है। ये वाली बात याद है, उस दिन भी यही जवाब था। बिल्कुल देखो ये यूजुअल है। अब जरा बात समझे, इससे पहले भी तो बारिश हुई थी सवालों में, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, तो वो उसके लिए लाजमी नहीं था। अब जाहिर सी बात है, खुद सोचो यार, तुम आज बैठ के प्लान कर रहे हो ये बारिशों का मौसम है, तो तुमने अकॉर्डिंगली उसको प्लान में इनकॉर्पोरेट कब दिया होगा। तो आई थिंक इसमें कोई इंटरप्शन पीरियड नहीं है। रिक्वायरमेंट को रीड करें, मुझे सब सही चाहिए इसमें, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा बीच में। रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है, आप अज्यूम करें मुझे बोरिंग कॉस्ट निकाल के टू बी कैपिटलाइज, अगर तो सारी पेमेंट्स हम करें स्पेसिफिक लोन से। सारी पेमेंट्स कहां से करें? और फिर बोल रहे ये बताएं कि सारी पेमेंट्स करें कहां से? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से ओनली। तो ये आप फिर देखो, ये सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर आपने अपना दिमाग चलाना है। आप देखो, एक चीज होगी तो फिर दूसरा लोन नहीं होगा ना। वेरी गुड, देखो ये टेक्निकली सवाल करने का तरीका क्या, जैसे अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर देता हूँ ना, बीइंग इन ईवाई, तो मुझसे मैनेजमेंट पूछती है भाई ये चीज है,
मुझे बताओ कि भाई हम किस पे जाएं जो फायदेमंद होगा, ऐसा ही है। तो आप ये वही निकाल के दस जल्दी से, इसका ईयर एंड क्या है? दिसंबर ही होगा, दिसंबर दिसंबर। चलो जी, बिल्कुल, जो इंटरेस्ट आएगा वो रिमेनिंग बैलेंस पे आएगा, पर मेरे ख्याल से इस पूरे सवाल में प्रिंसिपल चेंज होगा ही नहीं। वेरी गुड, तो प्रिंसिपल चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेमी एनुअली नहीं है। प्रिंसिपल कब चेंज होगा इसका? एंड में। चलें जी, अतीक बात क्लियर है वाली? जी देखिए, ईयर जब खत्म होगा ना उसके बाद लोन की पेमेंट करनी है, पर हमारा तो पूरे साल में प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंटरेस्ट तो वैसे ही निकालना ना हमने, इंटरेस्ट तो वैसे ही निकालना हमने। पर उसमें सवाल में सिर्फ क्या पूछा है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल के दे दो, बस खत्म। एक स्पेसिफिक से और एक उससे, उसने बाकी लंबी की नहीं है। नहीं आ रहा, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, लोन कितने का ऑब्टेन किया है? 350 मिलियन। अच्छा, 350 मिलियन पे जो इंटरेस्ट रेट एग्री हुआ है 16%, 11 over 12। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 11 over 12 क्यों? तीस नवंबर को खत्म हो गया है। तो सर हमने कहा कि भाई 30 नवंबर तक तो ये बन गया हमारे पास 51.33, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये पूरा कैपिटलाइज होगा? कोई इंटरप्शन पीरियड नहीं है। अच्छा जी, अब जरा एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द इंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू यूजुअल मॉनसून रेन्स। अच्छा जी, अब इसके दो व्यूज हैं। देखो, यूजुअली तो ये वैसी बात है, ऑलरेडी प्लान है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे वर्क प्लान में होगा, पर हम इसको यूं भी कर सकते हैं। वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई जब आपको पता है सही ना, तो आपने वैसे ही उस वक्त काम रोक देना है, और वैसे ही आपने उसको काम रोक देना है। तो आप चाहें तो भले ही उस पीरियड की जो एक्सपेंस है उसको कैपिटलाइज ना करें। दोनों व्यूज हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मुझे दोनों तरीके से करें कोई मसला नहीं है, पर अगर हम बोरिंग कॉस्ट के एक्चुअल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, बोरिंग कॉस्ट के एक्चुअल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम इसको कैपिटलाइज नहीं करते। रीजन दे रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट के एक्चुअल प्रिंसिपल को अप्लाई करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहा। रीजन दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, बारिश एक ऐसा इवेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दैट मीन्स के इट्स बेटर कि आप इसमें से एक महीना कटा दें और कितने महीने को कैपिटलाइज कर दें, 10 महीने को। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ इट्स बेटर, रीजन है। देखो, इसकी ट्रू प्रेजेंटेशन ये होगी ना कि भाई मुझे पता है एक ऐसा इवेंट जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के लिए बारिश लाजमी थी? नहीं। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए हम इसको एक महीना इसमें से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। वो सब्जेक्टिविटी जो भी हो, पर हम अपने IS-23 को फॉलो कर देते हैं। बात क्लियर है? हमने सिंपल ये काम किया, इसमें से डिवाइड बाय 11 किया, मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आई है जानी? 40। हाँ,
नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मैंने 11 महीने की लॉजिक दे दी, पर मैं कह रहा हूँ मैं अपने प्रिंसिपल्स पे जा रहा हूँ। क्लियर है? आगे 46.66। देखो यार लॉजिक है, देखो सुनो, मैंने तुमसे दोनों बातें कही, मैंने कहा ऑलरेडी है मुझे पता है प्लान्ड है, बट मैं अगर एक्चुअल प्रिंसिपल्स को देखूं वो कह रहा है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। आई बिलीव के सस्पेंशन पीरियड ड्यू टू रेन इज नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, दैट इवेंट इज नॉट इन माय कंट्रोल। बात क्लियर है? क्योंकि वो बारिश के वक्त जो काम रुका हुआ था, तो जैसी बात है उस वक्त बोरिंग कॉस्ट इनकम तो हो रही है, बट आई बिलीव कि उस वक्त काम नहीं हो रहा तो उस पर कोई कैपिटलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? और जब ये हुआ था ईमेल भी चली थी, तो दैट मीन्स के बच्चों को नंबर पूरे मिले थे, क्योंकि फिर हमने कहा था भाई आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। जिस बच्चे ने 10 महीने किया वो 10 महीने बिल्कुल क्या है, सही है, लॉजिकल बात भी है कि उस वही में जब काम ही नहीं हुआ तो हाउ कैन वी कैपिटलाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियर है जी? तभी तो ये भी पेयर में लेके जा रहा हूँ। कैसे कंट्रोल करते हैं? शराब पी के आ जाते हैं, चमाटे का आधा क्या करते नहीं कर सकते कंट्रोल, सही है, हो सकता है। देखो कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ कि भाई सर अगर 11 लेके, देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, सुनो, देखो मैंने आपको बेसिक, देखो मेरा बीइंग अ टीचर, बीइंग आईएफआरएस इंप्लीमेंटेड इन ईवाई एज वेल, मेरा काम ये कि मैं आपको ना एक सही चीज बता दूँ, लॉजिक सही है। मैं क्यों एग्जामिनर के उस पर जाऊँ? मुझे पता चलो उसने 11 महीने किया था, भाई करने तो उसको 11 महीने, पर मुझे पता है कि अगर मैं एक ये व्यू लेता हूँ कि भाई पहले से ही प्लान होगा तो आप कैपिटलाइज कर दें, पर मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में जब काम सस्पेंडेड है तो ये काम ही नहीं हो रहा ना उसके ऊपर, बोरिंग कॉस्ट तो बैंक को जा रही है, मुझे देखना है कि उस बैंक को जो पैसे जा रहे हैं उसमें से कैपिटलाइज करूं या ना करूं। आई थिंक कि जब उस वक्त कोई काम नहीं हो रहा तो उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन एक्चुअल में भी नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो आने वाली बोरिंग है उसकी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने सिंपल व्यू ले लिया। बात क्लियर है? ओके जी, बिल्कुल सही। आगे चले जी भैया, 46.66, इसमें कोई मसला? क्लियर है सर? मैं अब वर्किंग करूंगा किसकी? सरप्लस फंड्स की। स्पेसिफिक है ना, जानी उसने बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, बेटा तो वो नेटिंग भी तो होगी इसमें से। नहीं, बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज का मतलब है नेट बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पैसे कितने थे अवेलेबल मेरे पास 2023? कितना आ गया? 350। पहली पेमेंट कब है? चालीस की। ये कितना बचा? 310। फिर आ गई फर्स्ट 120। फिर कब है? दिसंबर। क्या हो गया? जीरो हो गया ये। अच्छा देखो एग्जामिनर ने सवाल भी इसी सोच के साथ बनाया कि आपको जनरल पे जाना ही ना पड़े, वरना तो फिर हमने जो सवाल किया उसमें दोनों का मिक्सचर है ना, हमने पहले वो मुश्किल वाले कर लिए, अभी ये वो उसकी चोरेंगी। उसने बोला कि भाई अज्यूम करो कि सारे पैसे कहाँ से, स्पेसिफिक से, तो फिर आप उसको वर्किंग दे दें कहाँ से, स्पेसिफिक से करके। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर सरप्लस फंड्स कितने पे इन्वेस्टेड है, रेट क्या है? 10% फॉर 2.9167। ऐसा ही है। अच्छा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके 3 महीने, 3 महीने का। अच्छा बट इसमें से आई थिंक एक नवंबर का महीना है, इंटरप्शन कब थी? अच्छा ओके जून में थी, ओके जी। पर अब मुझे एक बात बताए, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सही है ना, 3 महीने,
अच्छा जी, अब मुझे बात बताएं, अगर वैसे भी देखूं 3, 5, 8 और 3 कितने हो गए, 11, एक ही महीना बचा है जो अब बुक हो जाएगा, सही जी, पर वो पीएनएल में जाएगा, हमें उसकी कैलकुलेशन आगे फर्दर करने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, पर मुझे एक बात बताएं, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, क्योंकि मुझे सितंबर अक्टूबर काम कब कंप्लीट हुआ है, नवंबर में, 30 नवंबर को, यानी दैट मींस कि सर ये पे पूरा नेट हो जाएगा। ओके जी, अब मुझे एक बात बताएं, अप्रैल में काम कब खत्म हुआ था वो इंटरप्शन? ओके, तो सर क्या हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे इस पीरियड में, अच्छा जब इस पीरियड में, तो हमने कहा ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 6.33 सही है। पर मैं देखो, मैं फिर बेसिस पे जा रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ चलो सही है, उसने जो भी किया हम एक्यूरेसी पे जाते हैं जो होना चाहिए, सही है जी। हमने कहा भाई 6.33 आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, इस केस के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का मतलब है सब कुछ मिल मिला के नेट बेसिस पे, ये तो हो गया 46.66 और सेविंग्स आ गई कितनी, ये चेक कर लो, 29.9। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, ये हमने सम लिया है कोई इसका, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा ये, यही याद है, 29.99। सर ये हम कह रहे हैं मैनेजमेंट को, जिसने हमसे एडवाइस मांगी थी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ किस पे जाएंगे, स्पेसिफिक बोरिंग पे, तो आपने नेट इतना पीपी में कैपिटलाइज करना होगा, हमने उसको कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए एडिशनल चीज बता दी। चलिए जी, उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि CWIP कितना है, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना, क्लियर है। आगे अब सर ऑल टूगेदर हम वर्किंग करेंगे किससे, जनरल बोरिंग से। अच्छा आप एक बात सुनिए, तुम लोग बताओगे क्या जनरल बोरिंग में कोई सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, क्यों, जितना चाहिए उतना पैसा निकालते हैं, तो यानी अब आप भूल जाएंगे आपके पास कोई स्पेसिफिक बोरिंग एग्जिस्ट करती है, हम बोलेंगे करती नहीं। चलिए जी, तो हमने कहा कि भाई मेरे ख्याल से मैं काम तब तक शुरू नहीं कर सकता था, वेटेड एवरेज निकाल लूं। अच्छा, वेटेड एवरेज के लिए आई बिलीव के 220 into 13.7% प्लस हमारे पास है कि 280 into 14.6 डिवाइडेड बाय 220 प्लस 214.204। क्लैरिटी है यहाँ पर, यही किया था। चलें जी, हमने कहा कि भाई हमने पहली पेमेंट कब की है, जनवरी वन को, फर्स्ट फेब को की है। ओके जी, तो हमने पैसे भी तभी निकाले होंगे, 14 पॉइंट, मुझे पता अगली पेमेंट कब है। ओके, कितना आ गया, अच्छा फिर पैसे कब, 160 आ गया, पर ये डेट क्या थी, ये आ गया 14.204 into 5/12 कितना, 9.469। आपने कहा फिर कितना, फर्स्ट सितंबर, हमने कहा ये आ गया 260। अच्छा 14.204% सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9.2326। अच्छा, डू यू फाइंड एनी इंटरप्शन पीरियड बिटवीन दीज, अप्रैल में, ओके जी, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया,
7.575 सर हमने कहा कि हमने ये क्या अप्लाइज करना है, दूसरा ये क्या अप्लाइज करना है, तीसरा ये क्या अप्लाइज करना है सर? बोरिंग कॉस्ट 2B कितना आ गया जानी? 0.9469 7.575 17.75. अच्छा वैसे अगर हम देखें फायदा किसमें है, जनरल बोरिंग में स्पेसिफिक बोरिंग में? यानी इधर बताओ फायदा किसमें है? जनरल में इस दिन से खौफ खाना तुम्हें क्या है, एग्जामिनर तुमसे एडवाइस पूछ ले, क्योंकि एक बेवकूफ बंदा पता है क्या होगा जानी, बातें नहीं इधर बाबू जाने मन इधर सुन ले, इधर प्लीज मेरी बात सुन ले। अच्छा भाई सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिन आपको फिर याद होना चाहिए कि अगर वो पूछ ले ये चीज। देखो कोई बेवकूफ इंसान होगा वो बोलेगा यार वहां पे तो सेविंग भी है ना, तो वो कॉस्ट को क्या कर रही होगी। पर ये भी तो सोचो अल्टरनेटिवली जो स्पेसिफिक बॉलिंग उस पर डे वन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, तो आपने ऐसे कंक्लूड नहीं करना, पहले कैलकुलेशन करनी है फिर कंक्लूड करना है कि भाई क्या हम जनरल बोरिंग पे जाएं। यस इस केस में किस पे जाऊंगा, क्योंकि उसका जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो क्या है, क्योंकि वहां पे नीड बेसिस पे पैसे निकाल रहा हूँ, वहां पे डे वन पे पैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कंक्लूड होता है हमारा बोरिंग कॉस्ट। क्लियर है? एक सवाल खाली कैंसिल कर दें, वो सीए फाइनल क्या है जिसमें मैंने एडजस्टमेंट नहीं की थी, करना भूल गया था, जिसमें प्रोग्रेस बिलिंग की गेम है। मैं वो बता देता हूँ आपको बुक में से, उसको आप कोशिश भी नहीं कीजिएगा बिला वजह। जो रिटेंशन मनी वाला गेम है उसको आप हटा दें। जी एक मिनट ना मैं जवाब दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना प्लीज को कैंसिल करना है, ये आपने नहीं करना सही है, क्योंकि ये देखें इसमें एडवांस वगैरह डिडक्टेबल प्रोग्रेस बिलिंग है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं ना कल की क्लास में, कंफर्ट हाउसिंग। सही है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। एक सवाल कर रहा था उसके